Live and live united. Oh, almighty, create thoughts and actions in the minds of the people of our nation. May they live united. May they live united. We will now officially launch Dr. Kalam's campaign by handing over Dr. Kalam flag to Dr. Pratima Totla. A massive campaign is planned to be executed in Jaipur in the month of March. Dr. Pratima Totla is the brand ambassador of Mrs. Heritage of the World 2017, Mrs. India Fashion Icon 2017, doctorate degree awarded by the Academy of Universal Global Peace, USA, which is affiliated by 77 countries. National Brand Ambassador of Dr. Abdul Kalam campaign in India and overseas. Among the top most powerful personalities of Rajasthan. Advisor of the very prestigious Rajasthan International Film Festival. Patron of social workers and organization. Presides over Miss India, Miss Super Talent 2017, a national beauty pageant as a jury. Achievers Award by Academy of Universal Global Peace, USA. Strongly working on the ideas of merging the orphanages and old age homes so both communities can serve and thrive. Many award winners, great inspiration for women, and is constantly invited by various TV channels, magazines and programs. She has also won National Empowerment Women Award. On 15 January, in association with Indian government, she'll be titled as an India icon. Over to you, ma'am. Good morning, friends. Namaskar. First of all, मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रही हूँ खुद को अब्दुल कलाम साहब कैंपेन का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर, क्योंकि उनके बारे में तो हम बात करने लायक भी नहीं है. वो इतना कुछ कर चुके हैं कि उनके बारे में तो हम बात करने लायक भी नहीं है. फिर भी उस कैंपेन का मुझे नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाना, ये मेरे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है, ये आप लोग सोच सकते हैं. हिंदी समझ में आती है ना आप लोग को? पर मैं जो बोलूँगी वो आ जाएगा सब समझ में. अब्दुल कलाम साहब वैसे तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है. एक प्योर इंडियन, सच्चे देशभक्त एंड प्योर सोल. अब्दुल कलाम साहब ने ही हमें सिखाया कैसे धर्म, जाति और पार्टी से ऊपर कैसे देशभक्त बना जा सकता है. हमें उनसे पता चला. उनका जन्म हुआ रामेश्वरम और शिक्षा भी उनके स्टडीज और बॉर्न वो रामेश्वरम से थे. तो शिवजी और राम की भूमि से तो अब्दुल कलाम साहब जैसे महान व्यक्ति का ही जन्म होना था. वो ही वैसे ही लोग राम और शिव की भूमि से जन्म ले सकते हैं. जैसे कि हमें पता है श्री राम ने किस तरह से उनके लिए देश और प्रजा जैसे जो उनके लिए देश और लोग थे वो कैसे उनके लिए इम्पोर्टेंट थे, वैसे अब्दुल कलाम साहब के लिए थे. कि उन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, अपने देश के बारे में सोचा और सिर्फ उनको आगे बढ़ाने में, हमारा देश कैसे आगे बढ़े इसके लिए सोचा. 11th प्रेसिडेंट ऑफ आर नेशन 2002 टू 2007. और सबसे बड़ी बात,
दोनों पार्टी हमारे देश की मेन पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी मेन पार्टीज आती हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ये उनका ही करिश्मा था कि पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर आई और उनको नेशनल ब्रांड एम्बेसडर उनको वो बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अब्दुल कलाम साहब अपने स्कूल टाइम में, आप लोगों के काम की बात है, अपने स्कूल टाइम में वो एवरेज स्कोरिंग होती थी उनकी, लेकिन वो हार्ड वर्किंग बहुत थे। ऐसा उनका मानना था कि द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। अब लास्ट बेंचर्स तो बहुत खुश हो गए कि हम तो कह ही रहे थे कि हम ही इंटेलिजेंट है, हमें कोई मान ही नहीं रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगी मेरे बड़े सन का, माइल्डर सन। वो स्कूल टाइम में वो बैक बेंचर ही था, पर उसमें फिर भी एक मुझे लगता था एक एक्स फैक्टर है। जब ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने उसको अब्रॉड स्टडीज के लिए भेजने का सोचा तो मुझे सबने मना कर दिया कि जो बैक बेंचर है आप उसके ऊपर इतना बड़ा सोच रहे हो कि आप उनको अब्रॉड स्टडीज के लिए भेज रहे हो। बट मुझे लगा उनमें एक एक्स फैक्टर है, क्योंकि जो कंप्यूटर में उनको जो मास्टरी थी वो लेक्चरर्स को भी नहीं थी, तो बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग नहीं हो पाती थी बट उसमें बहुत कर जाते थे। मैंने उनको वहाँ इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। फर्स्ट ईयर में वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर थे और सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ दिस इज हिज फाइनल ईयर और वो बहुत अच्छे स्कोरिंग कर रहे हैं। सो आप लोग अगर स्टडीज में नहीं है तो आप ये मत सोचिए हम किसी और में कुछ नहीं कर सकते। हर बच्चे में एक एक्स फैक्टर है, वो उसके साथ आगे बढ़ सकता है। और ये पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को उस एक्स फैक्टर को देखें और उसको पुश करें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो कुछ नहीं कर, जैसे अब्दुल कलाम साहब, लेकिन वो आज हमारे देश के बड़े वो बने। मैंने मेरे बेटे को बताया कि अब्दुल कलाम साहब के बारे में, मैंने उनको कुछ बताया तो मैंने कहा कि वो नासा गए घूमने और ये, तो उसने मेरे को एक जोक सुना दिया उसके ऊपर। उसने मुझे बोला, मम्मा सब अंतरिक्ष अंतरिक्ष सब अपने घर में ही होता है। वो कैसे? बोले मम्मा चंदा दिखा देती है, फादर एक थप्पड़ के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं और बीवी तो तारे दिखाई देती है दिन में। तो ये एक तरीके से, मैंने कहा, लेकिन उसको ये याद हो गया नासा से अब्दुल कलाम साहब, उसको मौका मिला जाने का, नासा स्कूल ट्रिप से उसको नासा जाने का मौका मिला। तो उसने देखा कि वो जोक जितना इजी नहीं था नासा वहां पे जाने के लिए, या वहां पे कुछ भी समझने के लिए आप में एक टैलेंट होना जरूरी है। तो जब वो वहां से नासा से जाकर आया तो उसको लगा, तो उसने और अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ना शुरू किया, उसने और जानने की कोशिश की उसके उनके बारे में। तो उसने अपने काम की बातें निकाल ली, उसने बोला कलाम साहब ने तो, कलाम जी तो बोलते थे कि बड़े सपने देखो और उसके लिए बड़ी नींद जरूरी है, तो मम्मा मुझे सोने दो, आप उनके कोट्स देखना, आप अब्दुल कलाम साहब के सारे कोट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सब हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी मम्मा थी, मैंने भी उनका एक कोट निकाला। मैंने कहा उन्होंने ये भी बोला था कि सपने वो नहीं होते जो जागती आंखों से सोती आंखों से देखे जाए, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। तो उसको ये लग गया कि बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता हमको किसी के उससे। तो थैंक्स टू अब्दुल कलाम साहब, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बोला। अच्छा, आपको जैसा कि सर ने काफी कुछ बताया अब्दुल कलाम साहब के बारे में, काफी कुछ बता दिया, मैं उनकी उन बातों की तरफ बताना चाहती हूं आपको जो जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने जब वो प्रेसिडेंट बने तो अपनी सारी सैलरी ट्रस्ट को दे देते थे, उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं करते थे अब्दुल कलाम साहब। और हमारी सैलरी आती है तो हम क्या सोचते हैं, कौन से होटल में जाना है, कौन से पिक्चर देखनी है, कौन से कपड़े लेने हैं। तो उसके लिए भी एक डेडिकेशन चाहिए कि उन्होंने अपनी सारी की सारी सैलरी हमेशा अपने देश के लिए समर्पित कर दी, उन्होंने ट्रस्ट बना दिया था उसके लिए। दूसरी बात, वो एक बहुत टेरिफिक लीडर थे। लीडर कौन होता है कि अगर आप कुछ चीज अगर फेलियर है तो उसका भी वो क्रेडिट ले। तो जब उन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च था SLV-3, तो जब उसका फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो किसी वजह से फेलियर था, किसी वजह से फर्स्ट लॉन्च उनका फेलियर था। तो वो उससे इतना परेशान थे, पर उन्होंने ये बोला
कि लेकिन इसका क्रेडिट मैं लेता हूँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उसके, तो उन्होंने वो किसी पे भी नहीं डाला उन्होंने। और जब सेकंड हुआ तो बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो वो क्रेडिट लेने के वो उसके भी अधिकारी थे। तो आज हम लोग कुछ जने मिलके कुछ करते हैं और कुछ फेलियर होता है तो हम क्या करते हैं, मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ सक्सेसफुल ही कर सकता हूँ, ये तो उन चार जनों की वजह से फेलियर हो गया, यही करते हैं ना हम लोग। हाँ तो बोल दो, है ना, यही तो सोच है कि वो यही तो करते हैं, तो हम सक्सेस हम उसके लिए उसको देते हैं। और जब अगर फेलियर होता है तो हम दूसरों को क्रेडिट देते हैं कि सक्सेस होती है तो हम खुद लेना चाहते हैं। तो हम में अगर लीडर बनना है तो हमें ये तो चाहिए कि हम अगर फेलियर होता है तो हम उसको भी अपने उस पर ले सकें। उसके अलावा आज जब देश के अंदर आप लोगों ने इनटॉलरेंस वर्ड तो काफी सुन लिया होगा, तो आज जब देश के अंदर इनटॉलरेंस जैसे शब्द चल रहे हैं, आज जैसे हमारे देश के अंदर जो बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगी या शायद आप लोग समझ जाएं, उन्होंने बोला कि हमारे देश में ही सेफ नहीं है, आप लोग शायद समझ गए होंगे, चलिए मैं फिर भी बोल देती हूँ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद अंसारी साहब, जो 2007 से 2017 ईयर्स तक वो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें डर लगता है, मतलब कि हमने आपको देश के इतने ऊंचे पद पर बिठा दिया, उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि डर लगता है, तो जब जब ऐसी सब बातें होती है तो हमें कलाम साहब की बहुत याद आती है। हम चाहते हैं कि उनका जो अपने देश उनके रग रग में बसता था, वो अपने देश के लिए सोचते थे, उनके लिए यहाँ के लोग उनको परम प्रिय थे, तो इसलिए अब उनकी याद और आती है और हमें जरूरत है उनको, उनके जो भी उनकी भावनाएं थी, उन्होंने जो भी एक सोचा था हमारे देश के लिए, हम उनको आगे लेके जाएं, और उसके लिए हमें आप सबकी बहुत जरूरत है, ताकि इस अब्दुल कलाम कैंपेन को हम एक एक जने के पास में, उनके 2020 प्रोजेक्ट को हम एक एक, उनका 2020 प्रोजेक्ट क्या था कि 20 तक हमें अपना देश, हमें डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए, तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जहां हम देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं इंटरनेशनल पेजेंट्स जीत चुकी हूं, और जब वहां बोला जाता है ना, एंड द अवार्ड गोज टू मिसेस प्रतिमा तोतला फ्रॉम इंडिया, तब आप अपने सारे अचीवमेंट्स भूल जाते हो, उस वक्त आपको अपना देश और आप गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि वो आपने अपने देश के लिए किया है, आपके देश का नाम उससे इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है। तो प्लीज आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें कि आप देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं, जो कि उनका सपना था। और इसके साथ ही मैं पौरुष जी को, चरण जी को, इनको भी मैं बोलना चाहूंगी, जिन्होंने एक ये एक सोचा, एक विचार को लिया और आज उसको एक परिपक्व कर दिया, आज उसको मैच्योर करके इतने सारे लोगों को, इतने डिग्निटीज को एक मंच पे लेकर आए। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।